अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद मदीहा में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार मलाई केक की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का बनता है, तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी जी। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल। बाउल में मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप शुगर। मैं यहाँ पे आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। हाफ कप इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क, मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी वनीला एसेंस। वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, बैटर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, मोल्ड में जिसमें भी आपने जो है वो केक को बनाना है उसको ऑल से ग्रीस करके और उसके ऊपर जो है वो आटा डस्ट कर लें। और अब हम जो है वो इसको पैन में डाल देंगे। जी मटेरियल को हमने मोल्ड में ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ा सा जो है वो टैप कर लेंगे। दैट्स इट जी व्यूअर्स। पतीले को जो है वो मैंने 5 मिनट के लिए जो है वो प्रीहीट कर लिया था। प्रीहीट करने के बाद जो है वो मैंने इसमें जो मोल्ड है वो रख दिया और अब इसको मैंने कवर कर दिया। 15 to 25 मिनट्स के लिए हम इसको कवर रखेंगे। आप चेक कर सकते हैं जब केक जो है वो रेडी हो जाए, और डिपेंड करता है कितने टाइम पे जो है वो आपका मतलब पतीला कितना थिक है उसकी टाइमिंग पे। तो मैं इसको रखूँगी 20 to 25 मिनट के लिए और उसके बाद जो है वो हमारा केक हो जाएगा रेडी। तो जब तक केक हमारा रेडी होता है तब तक हम रेडी कर लेते हैं अपनी रबड़ी। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप जो है वो फुल फैट मिल्क। अब इसमें मैं 1/2 कप जो है वो मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। वन फोर्थ कप जो है वो मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी और अब इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई मिल्क के जो लम्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। जी व्यूअर्स, फ्लेम को जो है वो हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसको जो है वो इस पे दूध को पकाते जाएंगे। आपने पहले जो है वो इन सब चीज़ों को ऐड करते हुए फ्लेम ऑन नहीं करना है, क्योंकि जो ड्राई मिल्क आप इसमें ऐड करेंगे उसके लम्प्स बन जाएंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। तो अब हम इसको जो है वो दूध को पका लेंगे। जी व्यूअर्स, मिल्क जो है वो हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो लिया है कस्टर्ड पाउडर। मैंगो फ्लेवर जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने मिल्क में जो है वो मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम जो है वो स्पैचुला को हिलाते जाएंगे। अब कस्टर्ड को जो है वो थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। जी व्यूअर्स, मिल्क जो है वो हमारा रेडी हो गया। इतनी ही कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है, ज़्यादा जो है वो ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नट्स। मैं यहाँ पर जो है वो कुछ बादाम और पिस्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जो भी नट्स पसंद करते हैं आप वो इसमें ऐड कर लें। और फ्लेम को जो है वो मैं बंद कर दूँगी। अब आपने इसमें जो है वो स्पून हिलाते हुए इसको ठंडा करना है, क्योंकि जो इसके ऊपर मलाई है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको ठंडा करेंगे ऐसे ही जो है वो स्पून को हिलाते हुए। जी व्यूअर्स, केक जो है वो हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा जो है बस इसका लेड साइड से हटाकर, और स्टिक की मदद से हम देख लेंगे। तो स्टिक बिल्कुल ड्राई आई है, इसका मतलब है केक हमारा हो गया है रेडी।
इसको थोड़ी देर जो है वो ऐसे ही बंद करके रख देंगे और फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी व्यूअर्स, मोल्ड को जो है वो मैंने पानी निकाल दिया। अब इसको करेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद जो है फिर इसके ऊपर हम रखेंगे रबड़ी, और रबड़ी डालने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक हम करते हैं वेट। जी व्यूअर्स, केक जो है वो हमारा रेडी हो गया है और हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम केक में फोक की मदद से होल कर लेंगे। केक को आपने बहुत अच्छे से पहले ठंडा करना है। अब हम इसमें डाल देंगे रबड़ी। रबड़ी का कुछ पोर्शन जो है वो मैंने छोड़ दिया, जब हम सर्विंग करेंगे उस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इस पे गार्निश कर लेंगे नट्स। जी, तो हमारा मलाई केक रेडी है। अब इसको रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए। जब ये ठंडा होगा तो तब करेंगे हम इसको सर्व। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी व्यूअर्स, हमारा मलाई केक बनके बिल्कुल रेडी है, और आप देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़े का बना है। जितना ये नज़र आ रहा है आपको इस तरह देखने में मज़े का, उससे ज़्यादा जो है ये खाने में मज़े का होता है। तो चले अब हम इसको करते हैं सर्व। ज़बरदस्त, देखिए हमारा मलाई केक कितना ज़बरदस्त जो है वो रेडी हुआ है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी प्लेट में। जी व्यूअर्स, अब हम इस पे ऐड सर्व करते हुए इसमें ऐड करेंगे रबड़ी जो हमने बचा के रखी थी। तो देखिए आप कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है वो हमारा मलाई केक रेडी हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़े का जो है वो हमारा मलाई केक रेडी हुआ है। स्पॉन्ज भी देखिए इसका कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।